हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेवर एकेडमी। स्टूडेंट, आज जो न्यूज आपको बताया जा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो शिकार थे कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो उसके बारे में हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़ जी, उन्होंने एकदम साफ अल्फाज में कहा है कि एग्जाम जो है वो ऑफलाइन ही होगे, पेपर आपका ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन एग्जाम होने की कोई बात उन्होंने नहीं की अभी तक। तो ये 100% तय हो चुका है कि पेपर जो है, उन्होंने असेंबली में जो है बयान दिया है, सदन में बयान दिया है कि पेपर जो है ऑफलाइन होने वाले हैं आप लोगों के, यानी जैसे पेपर एग्जाम होता है हर साल बोर्ड का, उसी तरह एग्जाम होगा। हाँ, एक चीज ये हो सकती है कि सेंटर आपका स्कूल हो सकता है, उसके ऊपर अभी वो बयान बाकी है, उनका डिसीजन इसके ऊपर बाकी है। तो आपको एक बात बताते चलू, तो याद रखिए आपके एग्जाम ऑफलाइन होंगे। एक और खुशखबरी आपके लिए कि भाई वर्षा जी गायकवाड़ जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने एक बात और कही है कि आपको जो है क्वेश्चन बैंक भी दिया जाएगा। तो पहले आप, जैसे कि आप न्यूज देख रहे हैं मेरे पीछे, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, बोर्ड एग्जाम फॉर क्लासेस 10 एंड 12 विल बी हेल्ड ऑफलाइन। वर्षा गायकवाड़ हमारी एजुकेशन मिनिस्टर है, इनका यह बयान है, और आपने देखा होगा टीवी पे भी बहुत सारे बयान उनके जो जारी है, उनके जो बयान है उसको हम सुन लेते हैं एक बार, ताकि आप लोग भी जो है क्लियर हो जाए इस चीज से। तो आमचा जवळपास पेपर पॅटर्न सगळं कसं मार्क द्यायचे हे सगळं आमचं 4-5 महिन्यापूर्वीपासून आमची तयारी सुरू होते। 2 महिने आम्हाला पेपर वाटप करायला लागतात, त्यामुळे त्या तऱ्हेची तयारी ऑलरेडी झालेली आहे, काठीण पातळीने बाकीच्या बाबतीमध्ये। पण मुलांना जास्त मटेरियल मिळावं, म्हणजे जास्त गोष्टी मिळाव्यात म्हणून आम्ही युट्यूबच्या माध्यमातून सुरू करत आहोत। एससीईआरटीला आम्ही सांगितलंय की तुम्ही प्रश्न संच म्हणजे क्वेश्चन बँक तुम्ही तयार करून विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करा। पेपरच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आपण मुलांपर्यंत त्यांचा जो अभ्यासक्रम आहे तो आपण त्या मुलांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत। 15 तारखेपासून मार्चच्या आपण प्रयत्न करतो की सह्याद्री वाहिनीचे आपल्याला काही घंट्याचे आपल्याला मिळावेत, की जेणेकरून हे मुलांना म्हणजे विज्ञान असेल, गणित असेल किंवा भाषा असेल या विभागाचे जे काही गोष्टी आवश्यक आहेत त्या सह्याद्री वाहिनीच्या माध्यमातून मुलांपर्यंत पोहोचाव्यात, युट्यूबच्या माध्यमातून मुलांपर्यंत कंटेंट पोहोचावे। परंतु आपल्याला सगळ्या करत असताना, जसं मी सांगितलं की तिथली स्थानिक परिस्थिती, भौगोलिक परिस्थिती आणि बाकीचा विचार करून आपण ज्या ज्या गोष्टी शक्य आहे त्या त्या गोष्टीचे आपण निर्णय सकारात्मक अध्यक्ष महोदय घेत आहोत। याच्या व्यतिरिक्त काही सूचना असतील तर आपण नक्की त्याचा सुद्धा विचार करू। आपण पुढे काय करतायत, का ज्यांना करोना असेल किंवा कंटेनमेंट झोन असेल त्यांच्यासाठी आपल्याला पुढे काय करावं लागेल का, ती सुद्धा आपल्याकडे आपण एक विचार करत आहोत। फेर परीक्षा तर आपल्याकडे आहेच, त्यांना माहिती आहे, ती सुद्धा आपल्याला घेण्याची आहे। त्यामुळे आपण विविध ठिकाणी करत आहोत, आणि जे बाकीच्या बोर्डाबद्दल आपण म्हणाल की आयबी असेल किंवा आयसीएससी किंवा सीबीएसई, त्यांच्या बाबतीमध्ये त्यांनी परीक्षेची तारखा अगोदरच डिक्लेअर केलेली आहे, त्यामुळे त्यांच्या परीक्षा आणि आपल्या परीक्षांचा मेळ घेऊनच करावा लागेल। आणि हा घेत असताना, जसं मी सांगितलं, भौगोलिक परिस्थिती, कोकणामध्ये मग पाऊस असतो कारण आपल्याकडे असं वेगळ्या वेगळ्या परीक्षा घेता येत नाहीत, तोच टाइम टेबल बघून आपण तो टाइम टेबल ठरवलेला आहे। त्याच्यामध्ये कशा तरी करता येईल हा आपण अगोदरच टाइम टेबल डिक्लेअर केलेला आहे, त्याच्यामध्ये पुढच्या वेळेला अजून काय मदतीचं करता येईल का ते आपण बघण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करत आहोत। स्टूडेंट, जैसे की आपने देखा की उन्होंने एकदम साफ कहा है, तो स्टूडेंट जैसे कि आपने देखा उन्होंने एकदम साफ कहा है कि एग्जाम जो है ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां पर जो पहाड़ी इलाके हैं, डोंगरी इलाके हैं, जहां पर आज तक नेट वगैरह नहीं है, मतलब जो सहूलत नहीं है, तो वहां पर इस तरह के एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, इसलिए एग्जाम जो होंगे ऑफलाइन होंगे। उन्होंने एक बात और कही है, आपने गौर किया होगा कि हमने एससीईआरटी को, जो अभी प्रोग्राम चल रहा है आपने देखा होगा गाइडेंस का प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम जो कल मंडे के दिन ज्योमेट्री का भी आपको पता है उसको देखना ना भूलिए, तो उन्होंने एससीईआरटी को भी एक संदेशा दिया है कि आप ऐसे सराव प्रश्न पत्रिका, मतलब एक प्रैक्टिस पेपर जो क्वेश्चन बैंक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है, जो आपके एग्जाम में भी पॉसिबल पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बैंक उन्होंने देने के लिए कहा है एससीईआरटी को। तो आप बेफिक्र होकर बैठिए, अपनी स्टडी को मुकम्मल कीजिए, वो प्रश्न पत्रिका, सराव प्रश्न पत्रिका, प्रैक्टिस पेपर या क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास आता है तो उसकी खूब अच्छे से मश्क कीजिए, खूब अच्छे से उसको प्रैक्टिस कीजिए, और अपनी पढ़ाई को उसी के मुताबिक, जो क्वेश्चन बैंक आपको अगर दिया जाता है एससीईआरटी की तरफ से या बाल भारती की तरफ से, आप उसको अच्छे से स्टडी करके, उसकी पूरी प्रैक्टिस करके, उसको पूरा अच्छे से पढ़कर अपने एग्जाम को आप दीजिए, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से कामयाब होंगे। तो ये एक न्यूज थी जो वर्षा गायकवाड़ जी ने कहा है, तो आपकी अब यहां शंका दूर होना चाहिए कि आपके एग्जाम ऑनलाइन नहीं हो सकते, आपके एग्जाम ऑफलाइन ही हो गए। आप कहां होंगे उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, बट आपके एग्जाम ऑफलाइन होंगे, आपको क्वेश्चन बैंक भी दिया जाएगा, तो बेफिक्र होइए,
आपके एग्जाम जो है ऑफलाइन होने वाले हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन बैंक आपको सराव प्रश्न पत्रिका मतलब प्रैक्टिस पेपर भी आपको दिए जाएंगे एससीईआरटी की तरफ से, और जैसे ही वो पेपर शाये होते हैं, जैसे ही वो पेपर आते हैं, वो आप तक जरूर ब जरूर पहुंचेंगे। तो स्टूडेंट याद रखिए, बहकावे में मत आइए, रूमर में मत जाइए, आपको एग्जाम जो है ऑफलाइन मोड पर ही देना है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान पेपर हो गए, आसान नहीं भी हुए तो आपकी स्टडी उसको आसान बना सकती है। आप ऐसी स्टडी कीजिए, आपके पास तो अब क्वेश्चन बैंक भी आने वाली है, आप कोई टेंशन की बात नहीं है आपके पास, इंशाल्लाह जल्दी क्वेश्चन बैंक आपके पास पहुंच जाएंगे और आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, रायबर एकेडमी आपको पूरे क्वेश्चन बैंक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये न्यूज थी जो आपको बताना थी कि आपके एग्जाम ऑफलाइन मोड पर होने वाले, ऑनलाइन एग्जाम आपका नहीं होने वाला स्टूडेंट। तो बी रेडी फॉर एग्जाम, और एससीईआरटी के जो प्रोग्राम हो रहे हैं गाइडेंस के एसएससी, खास आप लोग उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, मराठी मीडियम के लिए भी है, लेकिन खास उर्दू मीडियम के लिए अभी जारी है, तो वो आप देखना ना भूले। मंडे को ज्योमेट्री का जो है यहां पर गाइडेंस लेक्चर एससीईआरटी के वेबसाइट पर, आप YouTube चैनल पर, वहां पर जारी रहेगा, लाइव रहेगा। आप अपने क्वेश्चन जो है, एक ईमेल आईडी है, मैं आपको ईमेल आईडी देता हूं, आप वो लिख लीजिए HSC, दैट मींस एच हॉर्स का एच, एस और सी, ठीक है, HSC@ma.ac.in, इस पर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपके जो भी डाउट है वो आपके वहां पर क्लियर किए जाएंगे स्टूडेंट। तो वो एससीईआरटी के प्रोग्राम वो देखते रहिए, अगर किसी ने किसी वजह से वो प्रोग्राम छोड़ दिया है या किसी काम की वजह से स्किप हुआ है, तो आप उसके रिकॉर्डिंग सेक्शन में वो रिकॉर्डेड जो गाइडेंस लेक्चर है वो देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया तो आपको नहीं दिखेगा, यूट्यूब पर वो एससीईआरटी के यूट्यूब पर आप मौजूद है, और लाइव देखे तो बेहतर है, आप उसमें अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने बताया ईमेल आईडी आपको दिया है, उस ईमेल आईडी पे आप अपना क्वेश्चन टाइप करके सिर्फ सेंड कर दीजिए मेल, हम वो पहुंच जाएगा और वहां पर आपके जो शंका समाधान है, जो आपकी डिफिकल्टी है, वो दूर होने के चांसेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, अपने प्रॉब्लम को, डिफिकल्टी को दूर कीजिए, प्रोग्राम अटेंड कीजिए, और ऑफलाइन मोड पर एग्जाम होंगे, जैसे कि मैंने पहले बार बार बताया है, आपको हमेशा बताया है कि ऑनलाइन पॉसिबल एग्जाम लेना नहीं है, ये हमको हमारा तजुर्बा बताता है कि एग्जाम ऑनलाइन कब हो सकते हैं कब नहीं हो सकते हैं। तो इस चीजों से आप दूर रहिए, आपको ऑफलाइन ही एग्जाम देना है। अब तो ये असेंबली में जो बयान आपने देखा है वो असेंबली में दिया हुआ बयान है, मतलब अब ये तय है कि आपके एग्जाम ऑफलाइन मोड पर होंगे। तो स्टूडेंट बी रेडी फॉर योर एग्जाम, और आपके क्वेश्चन बैंक जैसे आएंगे एससीईआरटी की तरफ से या बाल भारती की तरफ से, वो आप तक पहुंचे जाएंगे, उसका सोल्यूशन भी पहुंचाया जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र होइए, अपनी स्टडी इसी तरह जारी रखिए जिस तरह अभी आप जारी रख रहे हो। चलिए, तो ये न्यूज आपको देनी थी, न्यूज यहीं तक है, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं जरा सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, दूसरे बच्चों तक पहुंचाओ, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या क्या न्यूज जो है वो एजुकेशन के हिसाब से आपको मिलती है, आप तक पहुंचती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू।